अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलमेहताब गोट फार्म। आज है हम पटगा पे और बहुत अच्छे सेटअप पे आए हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ है, आरके गोट फार्म पे है। अंदर जाते और इंशाल्लाह चालू करते। अंदर जाने के पहले बता दूँ, बाहर जो बोर्ड पे, जो गेट पे बोर्ड है, ये देख लो व्यूअर्स। और अच्छा, ये चीज़ बहुत यूनिक है। ज़्यादातर अभी हम लोग के साथ ही हुआ, आके हॉर्न मार रहे थे, लेकिन फिर देखे सबर का फल मीठा होता है तो रुक गए। ये है, ये हेटर्स डोंट रिंग बेल। ठीक है, फिर आगे जाते हैं इंशाल्लाह और फैसल भाई से बात करते, एक फार्म का टूर करेंगे। ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा बड़ा सेटअप है। और अगर बताओ ऑडियंस को, तो एक जैसे ड्रीम फार्म बोलते हैं ना, जो सेटअप है बना हुआ वैसा है पूरा। देखो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते और आपको बताते पूरा आरके गोट फार्म। तो अभी हमारे साथ है फैसल भाई, आरके गोट फार्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह बहुत लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपना नाम और इंस्टा आईडी अगर बता दो तो। मेरा इंस्टा आईडी है आरके बोलते बॉस। अच्छा ठीक है, तो और नाम फैसल भाई है। तो अभी इंशाल्लाह एक फार्म का टूर चालू करते हैं, लेकिन एक चीज़ से स्टार्ट करेंगे जो अभी तक शायद बताए नहीं थे। हाँ। तो आ जाते हैं यहाँ पे। ये कौन सी ब्रीड में है? ये जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड में है। और इसका नाम या कुछ? टाइसन। टाइसन, ये देखो फैसल भाई का टाइसन, मतलब रात में खुला रहता होगा ना ये। हाँ। और ये सिक्योरिटी है, ये रात में 10 बजे के बाद में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। अच्छा, खुला छोड़ दिया। हाँ। तो और ऐसा है कि ये है तो समझो जेड प्लस सिक्योरिटी हो जाती है फार्म पे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके पहले जो था थॉर था। अच्छा, वो वेल ट्रेन था। एक भी बकरा खुल जाता था ना। हाँ। तो रस्सी पकड़ के लेके जाता था। हाँ। तो ये अभी अंडर ट्रेनिंग है। अंडर ट्रेनिंग है, सही है। वो भी बताएगी इंशाल्लाह आगे जाके। फिर अभी शुरुआत करते फार्म टूर से। जैसा बकरे का फार्म है तो यहाँ से स्टार्ट करते। ये जो सेक्शन है अभी ये टेम्पररी है कि यही नहीं, ये बकरियाँ इधर ही रहेगी। चार ही बकरियाँ, बाकी तो सब बकरियाँ मैंने है ना जैन भाई रिटर्न कर दिया कस्टमर। अच्छा। लोगों की, क्योंकि बकरियों का है ना सक्सेस रिजल्ट नहीं है अपने यहाँ पर। अच्छा। जो चीज़ नहीं है सक्सेस वो उसके ऊपर काम करने का फायदा नहीं, किसी का पैसा वेस्ट क्यों करा। सक्सेस रिजल्ट एज इन 10 बच्चे पैदा होते तो 8 मरते हैं। अच्छा, तो क्लाइमेट सूट नहीं है। हाँ, हाँ। वो भी ऐसा है कि होने के बाद में नहीं है। अच्छा। 3 महीने के हो जाते हैं, 4th महीना लगता है। हाँ। तो कोलिक पेन आ जाता है। हाँ। एक ही सडन पेन में सीधा ये डेथ है। सही है। तो ये फीमेल्स है यहाँ पे और ये ऑल टाइम यहीं पे रहते। फिर आगे आते, ये देखो माशाल्लाह सिंधी है ना ये? सिंधी है। तो ये अभी नॉर्मली यहीं पे रहते कि अभी खाली प्ले टाइम है तो बाहर निकाले? देखो ये तो रिसेंटली आया हुआ है। अच्छा। वो वहाँ पर ही वो क्वारंटाइन एरिया उधर ही बना। हाँ। हुआ था। और ये मैक्सिमम बकरे जो अभी बाहर निकले हुए वो। हाँ। कस्टमर्स आए हुए तो। हाँ। उन्होंने बकरे निकाले हुए। सही है। ये देखो माशाल्लाह इधर पूरा केयर टेकिंग चल रही है। और ये चीज़ देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग खुद ही अपने बकरों को नहलाते हैं यहाँ पे, तो ये अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अलाउड है। देखो ऐसा अलाउड है जो आ रहे अपना शौक पूरा कर रहे हैं। हाँ। और कुछ लोग रहते भाई नहीं करते शौक पूरा। हाँ। तो ये जो आते भाई हम लोग हमारे बकरे खुद नहलाएंगे। हाँ। तो वो अच्छा है कि वो हर 15 दिन में आते अपने बकरे नहलाते हैं। हाँ। क्योंकि हम लोगों का रूटीन तो 2 महीने के बाद में आएगा या 3 महीने के बाद में आएगा। क्योंकि इतने सारे बकरे जब हम लोग नहलाने लेते तो हम लोगों को केज भी साथ में धुलाना पड़ता है, फिर बकरे भी नहलाना पड़ता है। सही है। तो ये देख लो अगर इधर रखोगे तो ये सब भी अपने को एडवांटेजेस है जो नॉर्मली मैं तो फर्स्ट टाइम देखा हूँ ये चीज़ होते हुए। देखो तुम्हारी चीज़ है और तुम्हारे को बकरे का ज़्यादा शौक है, किसी को अटैचमेंट है। हाँ। तो वो बकरे आके मिला है तो उनका और शौक बढ़ जाएगा। हाँ। तो इसीलिए सही है। फिर एक ये देखो माशाल्लाह, ये कौन सी ब्रीड में आएगा फैसल भाई? ये बरबरा मिक्स में है। अच्छा, बरबरा मिक्स में है। फिर यहाँ पे देखो ये विलायती है ना? विलायती है, विलायती में है। फिर एक ये है पतीरा। ये पतीरा, तो माशाल्लाह पतीरा लेकिन अलग ही दिखते हैं। ये हाजी गोट फार्म पे से लिया हुआ है, विद सर्टिफिकेट वाला है। अच्छा, पूरा सर्टिफिकेट वाला है, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। सानिन भी है पीछे, वो भी दिखाते हैं आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ तक सेटअप जो टूर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे एक मजदूर है ग्रीन टी शर्ट में, ग्रीन कलर में, देखो कैसा। हाँ, ये हमारे मजदूर है। सही है। आगे बढ़ते टूर दिखाते। ये भी एक है कश्मीरी, इसकी एक सोलो वीडियो बनेगी, अभी नहीं दिखाएगी, सोलो वीडियो में इंशाल्लाह। इंटरव्यू तो लिए नहीं यार, ले गए ना इसका, अभी इसके बाद तुम्हारी बनाएगी। अभी कहता मेन जो है पहले अपन ये उजाले में दिखा, वो अंधेरे में चलेगा। हाँ हाँ, ये देखो माशाल्लाह, एक बार माशाल्लाह लिखना सब लोग। देखो इधर सारे कोटा ही है।
भाई एक चीज़ है कि कोटा का जो ट्रेंड है ये बहुत अच्छा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कहीं से भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा, हर साल बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है। तो पिछले साल से और इस साल में क्वांटिटी में कुछ फ़र्क आई है कोटे में? देखो कोटे मेरे पास आते हैं लेकिन मेरे पास लिमिटेड केजेस ही है जैन भाई, तो मैं उतने ही बकरे लेता हूँ, लेकिन मेरे पास 60 के करीब में जमुनापारी है। अरे वाह माशाल्लाह, और तो वो तो अलग ही, मतलब वो तो फेवरेट ही ब्रीड है मेरे हिसाब से तुम्हारी, क्योंकि जमुनापारी और हंस बहुत टाइम से रखे हुए दिखाते, वो भी पाजी जाए तो पूरा टेक्शन है माशाल्लाह भाई। लोग सिंह मेंटेन करना, देखो कुछ मेंटेन करना पड़ता है कभी, है ना, इतना मेंटेन करने के बाद में भी, क्योंकि हम लोगों ने केज का कॉन्सेप्ट वैसा बनाया है, अच्छा, तो भी कुछ बकरे तोड़ देते थे, ऐसा नहीं है कि तोड़ नहीं होते। लास्ट ईयर दो बकरे की सिंग टूटी थी, अच्छा, वो भी बाहर निकालने के बाद कस्टमर लेके जाने वाले थे और दोनों बकरे खुल गए, आपस में लड़ गए, सिंग टूटी, केज में कुछ नहीं थी। ये साल दो बकरे की सिंग टूटी है केज के अंदर, केज के अंदर ही। तो लेकिन ऐसा कुछ होता तो कस्टमर भी समझते होंगे? वो समझते हैं, और इनके ऊपर देखो हम लोग प्रोटेक्शन डालते हैं ना, जो होस पाइप डालते हैं, तो उससे और ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं, अच्छा, फिर वो सिंह को मारना चालू कर देते, तो हम लोग है ना प्रोटेक्शन डालने का है ना छोड़ दिए, अच्छा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन डालोगे तो तुम होस पाइप डालोगे तो इसके ऊपर डालोगे, यहाँ से प्रोटेक्ट नहीं होता, फिर और चिड़चिड़ापन हो जाता है, ये मारना चालू कर देता, तो इरिटेटेड हो। ये तो भाई बहुत गर्म है, पहले भी आया था ये लिस्टरसिस में से उठा हुआ बकरा, कहाँ से? पैरालाइज में से, हाँ, और अभी देखो इसको माशाल्लाह बोलेगा नहीं भाई, ये दो टाइम केज तोड़ चुका है इसने, अभी वापस ये देखो वेल्डिंग की हुई है, हाँ ये देखो माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छा रिकवरी किया है बकरे ने, मतलब कोई देख के ना बोलेगा नहीं कि ऐसा कुछ, ये हम लोगों को पता है इसीलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो है सही है, सही जो है फैक्ट बताना जरूरी है। ये भी एक बहुत फेमस है कि हर भाड़े में एक मेंढा रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अपने पास यहाँ पे जितने बकरे सब पलाई पे है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पर्सनल में कुछ नहीं है, देखो दो तीन है लेकिन मेरी होम ब्रीड के ही बच्चे हैं वो, अच्छा, तो एकदम वो छोटे छोटे एग्जॉटिक टाइप में, अच्छा सही है, तो एग्जॉटिक भी है यहाँ पे, वो भी बताएगी आपको, ठीक है। फिर आते एक बाजू वाले सेक्शन, अभी है तो पूरा जमुनापारी ही है इसमें, जितने हैं एक विलायती है शायद, विलायती बीच में है और बाकी सब जमुनापारी है भाई। यहाँ बता दूँ कि फार्म टूर तो मैंने कर लिया, लेकिन जो ये विलायती है ये अलग ही है यार, तो माशाल्लाह बहुत अलग है। उस पर आते तो यहाँ से देखो जमुनापारी, मतलब जो जमुनापारी लवर्स है इसमें मैक्सिमम बकरे मैंने दिलाया उनको, अच्छा माशाल्लाह। और अभी अगर किसी को भी चाहिए होगा तो आप दिला देंगे और भी ना? फिलहाल तो नहीं है, जगह नहीं है मेरे पास, अगर दूसरी जगह पर रखना है तो फिर मैं दिला सकता हूँ। तो एक बार बकरे आपको दिखा देते हैं, देखो माशाल्लाह, वाह क्या लग रहा है बकरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो फिर यहाँ आते हैं, देखो मतलब यहाँ का सबसे खूबसूरत मेंढा मेरे हिसाब से तो यही है। फिर यहाँ देखो फैसल भाई, अभी लोग बोलते हैं कि विलायती मेंढे के सिंग के पीछे ना थोड़ी तकलीफ आ जाती है, जैसे कीड़े लग जाते हैं, कुछ हो जाता है बाल के वजह से, अभी इस पे देखो माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल है। देखो विलायती मेंढे का है ना क्या है कि आपको है ना ये वाला हिस्सा है ना हमेशा क्लीन रखना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा, अच्छा, देखो इधर से उंगली जा रही है, सिंग के पीछे है ये, देखो इधर से उंगली जा रही है, आप बकरा जब भी खरीदो तो इतने गैप वाला ही बकरा खरीदो, हाँ, तो वो नई प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसकी एक कील निकलती है, वो कील की वजह से फिर उसको बॉक्स करके निकालना पड़ता है, अच्छा, तो वो कील वाला, तो जितनी ज़्यादा गैप वाली सिंग रहेगी ना तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा। तो मैग हर साल एक बकरा मेंढा हमारा ऐसा ही तैयार होता है, लेकिन ब्रॉड सिंग वाला रहता है, हम लोग उसको चूज करते हैं और फिर उसको ऐसा तैयार करते हैं। सही है, सब जमुनापारी है, वाह ये रिसेंटली नहाया है? हाँ ये आज ही नहलाए हुए और अब भी भारी बंधा हुआ था, आप आए थे देखो, विंडो सीट मिली है, ये तो नहाए नहीं है ये, फिलहाल ऐसे ही है, अभी फिलहाल जरूरत लग रही भी नहीं है, नहीं मिलाने की, लेकिन अभी रूटीन चालू हो जाएगा, अच्छा, मिलाने का, क्योंकि केज भी धुलेंगे, हाँ हाँ, और निलाया भी जाएगा सबको। सही है, ये पूरा ओवरव्यू है फार्म का, फिर इंशाल्लाह दूसरे शेड पे आते वो दिखाते हैं आपको। ये पूरी लाइन बोर की लेन है, हाँ ये पूरी बोर की लेन है, और एक आध दो बकरे है जो शायद यहाँ नहीं दिखाना रहे, ये देखो माशाल्लाह क्या कलर पैटर्न है यार, ये मालवा क्रॉस बोर है, मालवा क्रॉस बोर में, फिर एक ये बोर है, सही है, एक ये है। अच्छा फैसल भाई अभी एक चीज़ ऐसी सवाल आ गया पूछने के लिए, हाँ, जैसे देखो बोर के कान में टैग लगा हुआ है, हाँ,
अपन ऐसा कुछ नहीं करते अपने फार्म पे, अगर आ रहे तो नंबरिंग या कोई टैग ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी अब देखो ये वहाँ से आया था उस पर टैगिंग है वो पहले से ही। अच्छा मेरे पास नहीं, हाँ इतना है कि खस्सियों में मैंने कुछ किया हूँ क्योंकि एक पैटर्न के गुजरी बहुत सारे थे। हाँ। तो उनके अंदर मैंने किया हूँ मार्किंग करे, बाकी तो बकरों का सब जहन में है, दिमाग में है अपने, और पूरा रिकॉर्ड मतलब आते ही साथ हाँ वो पूरा एंट्री हो जाती है। और ऐसा है कि भाई बाहर निकलेंगे तो मेजॉरिटी ऐसा है कि सब अच्छे खासे वेट पे, अब यही बोर्ड देख लो, ये देखो माशाल्लाह साइज देखो इसका। ये अभी फिलहाल पांचवा दांत निकाला हुआ है। हाँ आप चेक कर लो दांत। नहीं दांत तो नहीं, मतलब बोल रहे हो अभी इतना ट्रांसपेरेंसी रखे तो फिर पांचवा दांत निकाला है, साइज चेहरा देखो इसकी माशाल्लाह, मतलब ऐसा है कि अगर ऑडियंस को लाइव आके देखना है तो देख सकते हैं आगे, मतलब देखने लायक है ये। फिर ये देखो बोर, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, और ये भी ऑलमोस्ट ये फोर्थ जनरेशन है। अच्छा और ये तो मालवा बोर मिक्स है, ये सेकंड जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है। अच्छा बीच में आपने कुछ बोर लाए थे सेलिंग के, उसमें का ये है, उसमें का ये है, ये है और दूसरे बोर की लाइन अलग से, उसके अंदर भी वो ही है। सही है, तो ये बोर का सेक्शन यहाँ पे दिखा सकते हैं ना। हाँ। ये कश्मीरी छोड़ के ये एक सानेन है, ये देखो माशाल्लाह। और अभी मतलब ऐसा है कि सानेन है तो थोड़ा सा हम लोग ने देखे कि बकरे ने दांत आठवा नहीं खोला अभी। हाँ और माशाल्लाह इसकी साइज देखो, और ये बहुत छोटा आया था मेरे पास। अच्छा हाँ सही है माशाल्लाह। फिर ये है, ये है कश्मीरी है वो भी, और ये विलायती बहुत नहीं, ये इसको सिंगुरी शिप बोलते हैं। कौन सा? सिंगुरी। तो मैं यही पूछने आ रहा था, मेरा सवाल ये था कि विलायतियों के बहुत अलग से ही निकाला है, लेकिन आपने बताया कि दूसरी ब्रीड है ये। ये देखो माशाल्लाह, ये अभी चौथा दांत किया है। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेट मेंढों में सब में ज्यादा वेट पे है। हाँ सही है माशाल्लाह। इसके अभी बाल निकाले इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन जब बाल आएंगे ना तो आपको दिख बहुत कसा हुआ दिख रहा है, और मेंढे यूजुअली दिखते हल्के लेकिन वेट ज्यादा ही आता है, वेट ज्यादा ही है। अच्छा तो अभी जैसे माशाल्लाह फार्म बहुत बड़ा है आपका, इंशाल्लाह दो तीन पार्ट में बनाएंगे वीडियो इंशाल्लाह। ये पहला पार्ट था जिसमें तीन शेड बताए ना, अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते, 12 नंबर 6 तक हुआ है अभी। हाँ फिलहाल के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।